हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है नूरी किचन ब्लॉग में, और आज मैं आपके साथ में करने वाली हूँ रेसिपी, बैंगन भरवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम बैंगन, और इसे अच्छे से धो के इसके जो पीछे का जो पोर्शन होता है ना, इसे मैंने अच्छी तरह से कट करके इसे साफ़ करके मैंने रख दिया। और आपको इसको थोड़े से शॉर्ट्स करने हैं, जो थोड़ी लंबी होती है ना स्टिक, उसको कट करके छोटा करना रहता है आपको। अब हम करेंगे प्रिपरेशन इसकी मसाले की। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 ऑनियन, और इसे मैंने बारीक सा चॉप करके रख दिया है। यहाँ पे लिया मैंने 2 टमाटर, इसका मैंने प्यूरी बनाया है। यहाँ पे लिया मैंने स्पाइसेस, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और फिर यहाँ पे लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और ये लिया है मैंने हाफ़ कप सूखा खोबरा किसा हुआ, और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे सेंगदाने, इसे भी मैंने ग्राइंड कर दिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हरी धनिया को मैंने चॉप कर दिया है, और थोड़ा सा लिया है जीरा बघार के लिए, और स्वाद अनुसार नमक। अभी चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी हरी धनिया भी मैंने चॉप करके रख दी। अभी ये जो बैंगन है ना, इसे थोड़ा सा हम कट मारेंगे, तो इसके 4 पीसेस को हाफ कट करेंगे, और अंदर से चेक करेंगे कहीं कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखिए ये सारे जो बैंगन थे ना, इसे मैंने कट कर दिए हैं। अब इसे लेंगे एक बर्तन, उसमें तेल, और तेल में हम ये जो हमारे बैंगन है ना, इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो अभी जैसे हम बैंगन डाल देते हैं तो ये तेल थोड़ा सा चटकना शुरू करता है, तो इसे थोड़ा सा हम ढक के पहले 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा तेल में टॉस करते रहना है, तब तक कि ये जो बैंगन के कलर चेंज नहीं हो जाते हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये यहाँ पे जो हमारा बैंगन जो है ये फ्राई होके रेडी हो गया है इस तरह से। अब सेम बर्तन में मैं यहाँ पे वही तेल में मैं लूँगी जो जीरा तड़के के लिए, और ये थोड़ा हम जीरा इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद में जो हमारे ऑनियन चॉप किए हुए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अभी इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। फिर मैं सारे स्पाइसेस, पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हरी मिर्ची जो चॉप करके डाल दी थी वो डाल दिया है। उसके बाद में जो सूखा खोबरा और जो सेंगदाना का जो पाउडर था वो ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें 2 टर्न बाय टर्न सारे चीज़ें ऐड करते करते मिक्स करते रहना है। फिर इसमें सारे स्पाइसेस जो हमने लिए थे वो भी इसमें अच्छी तरह से हमें ऐड करके बस इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनते रहना है। मसाला जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके आपको भूनना है। मैंने इसमें थोड़ा अपना जो नमक था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं जब तक कि ये थोड़ा सा साइड से तेल नहीं छोड़ने लग जाता है। फिर इसमें जो हरी धनिया ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि सारे मसालों की जो खुशबू है ना वो इसमें एक साथ ऐड हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छी तरह से ये भून गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, और जितना आपको इसको ठीक या जितना भी पतला रखना है वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, पर मैंने इतना रखा है ताकि जो हमारे बैंगन है वो इसमें अच्छी तरह से डीप हो जाए और इसमें अच्छी तरह से पके। तो ये इतना पतला मैंने रखा हुआ है, ये देखें। तो ये हमारी जो ग्रेवी है ये रेडी हो गई। अभी इसमें जो ये बैंगन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और अभी इसे हम कम से कम एक 10 से 15 मिनट जो है इसे पकाएँगे, जब तक हमारी ग्रेवी थोड़ी सी सूख नहीं जाती, ठीक नहीं हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए मैं चला के आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे किस तरह से ये ग्रेवी जो है ये ठीक होते जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर, अगर आपको इसके साथ राइस के साथ खाना है तो आप थोड़ा पतला रख सकते हैं, या फिर आप किसी और चीज़ के साथ इसे खाना चाहते हैं, रोटी वगैरह के साथ, तो थोड़ा सा इसे ठीक करना है। तो ये देखिए ये जैसे जैसे हम पकाएंगे उस तरह से ये थोड़ा सा ठीक होते जा रहा है। तो ये अभी हमारी जो ग्रेवी है ना वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे कर देती हूँ डिश आउट, और आप देखिए किस तरह से एकदम मस्त यम्मी सी हमारी बैंगन भरवा जो है वो रेडी हो गया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी मेरे चैनल में अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।